सिल्ली विधानसभा इलाके में अब कक्षा केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई होगी। इसकी व्यवस्था आजसू सुप्रीमो सह सिल्ली विधायक ने आज एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि सिल्ली के छात्र छात्राओं को अब उच्च शिक्षा और वोकेशनल कोर्स के लिए शहरों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। रांची के बाद पहली बार वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई सिल्ली में होगी। सिल्ली में वोकेशनल कोर्स और पीजी तक की पढ़ाई के लिए आधारभूत संरचना का भी निर्माण आरंभ कर दिया गया है। पीजी तक की पढ़ाई के लिए रांची यूनिवर्सिटी से अनुमति मिल गई है। साथ ही अपने संबोधन में आजसू सुप्रीमो ने यह भी कहा कि अब कोई भी मरीज ब्लड के अभाव में रांची रेफर नहीं किया जाएगा। दो दिन पूर्व सिल्ली में ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में आशुष ने कहा कि कोरोना संक्रमण में अपनी ड्यूटी कर रहे नर्स डॉक्टर समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया जाएगा। हमारी कोशिश होती है कि जो अभावग्रस्त ये क्षेत्र में संसाधन की जितनी चुनौतियां हैं उसको जल्द से जल्द हम यहाँ के 74,000 परिवार को मुहैया करा सकें। और मुझे लगता है कि ये एजुकेशन साइड में जो निर्णय आया है अभी पीजी तक का पढ़ाई का, ये ड्रीम हो सकता है, एक सपना की तरह है, और ये विश्वविद्यालय के सहयोग से और यहाँ के लोगों का आशीर्वाद से संभव हो पाएगा। और ब्लड बैंक आप समझ रहे हैं कि ये जीवन देने की तरह है। आप अभाव देखे होंगे कि लोग हॉस्पिटल में ब्लड के अभाव में बहुत कितने चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हैं। हमने निर्णय लिया और से पूरे एरिया में एक ब्लड बैंक तैयार हम लोग ने किया है, जिसका शुरुआत किया है। आज नौजवान साथियों ने, यहाँ के युवाओं ने रक्तदान किया है,